यंग इंडिया के बोल पार्ट 2 को रीवा में लॉन्च किया। यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता पराग शर्मा ने मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के साथ। इस मौके पर पराग शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, हमारे नेता राहुल गांधी ने हमें एक मंच दिया है। देश का युवा बेरोजगार एक ऐसे मंच को तलाश रहा है जहां पर वह अपनी बात कह सके। देश में इस समय बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है। आज ही WHO की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उसने कोरोना वायरस संक्रमण काल के दौरान भारत में मौतों का चौंकाने वाला आंकड़ा दिया है। जी हां, WHO का कहना है भारत में 47 लाख मौतें हुई जबकि मोदी सरकार 4,81,000 बता रही है। आइए आपको सुनाते हैं पराग शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा। मऊगंज के पूर्व विधायक आदरणीय दादा का मैं धन्यवाद करूंगी कि फिर से एक बार हमें यंग इंडिया उन युवाओं और युवतियों की तलाश में है जो आज भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को उजागर करने के लिए एक मंच ढूंढ रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रभारी आदरणीय कृष्णा अलवरू जी, हमारे अध्यक्ष आदरणीय BV श्रीनिवास जी ने हम राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को ये जिम्मेदारी दी है कि हम अपने प्रभार राज्यों में जाकर यंग इंडिया के बोल सीजन 2 को लॉन्च करें और फिर उसे प्रमोट करें। आज हम देख रहे हैं देश में किस कदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज हम देख रहे हैं बेरोजगारी चरम पर है, आज महंगाई आसमान छू रही है, दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं मगर सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। इन्हीं मुद्दों पर आज हम चाहते हैं कि हमारा युवा अपनी आवाज को बुलंद करे, यंग इंडिया के बोल भाषण प्रतियोगिता में आवेदन करके 31 मई तक आवेदन लिए जा रहे हैं HTML फॉर्म के जरिए। 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। 1 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जाएगा। 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन इसका ग्रैंड फिनाले दिल्ली में होगा जिसमें आप सभी साथी आमंत्रित रहेंगे। हमारी एक ही कोशिश है कि जो युवा अपनी आवाज़ के लिए एक मंच की तलाश में है, जिनके पास कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, वो कृपया आगे आकर इस मंच पर आकर अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचाएं। देखिए, अहिंसा के पुजारी हैं, उनका प्रतीक है महात्मा गांधी। मैं समझती हूँ कि आज देश में किस तरीके से भाई भाई को आपस में लड़वाकर, मॉब लिंचिंग करवाकर हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई लड़वाई जा रही है, ये बहुत दुखद है। और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यंग इंडिया के बोल में इस तरह की बातों पर भी प्रकाश डाला जाएगा और इन मुद्दों को बड़ी बेबाकी से जनता के बीच लाया जाएगा। अभी एक और मामला चल रहा है लाउड स्पीकर का, उसमें कुछ रोशनी नहीं मिला। देखिए, आज WHO की एक रिपोर्ट पूरी दुनिया के सामने आई है जिसमें भारत देश में कोविड से हुई मौतों का जो आंकड़ा है वो 47 लाख का है जबकि मोदी सरकार ने ये आंकड़ा 4,81,000 बताया था। मैं समझती हूँ आज देश में चरमराई हुई हेल्थ सिस्टम जो हमारे देश में है उसका खुलासा हुआ है पूरी दुनिया के आगे। और आज देश में हालात ये हैं कि लाउडस्पीकर्स पर लड़ाई हो रही है, अजान और हनुमान चालीसा के बीच में बहस हो रही है,
बहस का मुद्दा ये होना चाहिए कि कोविड के दौरान जो मौतें हुई उन परिवारों को क्या कोई कॉम्पनसेशन देगी है मोदी सरकार। बहस का मुद्दा ये होना चाहिए कि कितने मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई हैं। बहस का मुद्दा ये होना चाहिए कि आगे इन मौतों के को रोकने का कोई प्रावधान है सरकार के पास या नहीं। बड़े दुख की बात है, आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू और मुसलमान में लड़वाने की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, मगर इस देश में कोविड से हुए नुकसान पर कोई बात नहीं करना चाहता। कोविड से हुई मौतों के जो लोग हैं उनके परिवार को कोई कॉम्पनसेशन नहीं देना चाहता। यही बात मैं रखना चाहूंगी लाउडस्पीकर के विषय पर। धन्यवाद।